हाँ जानता हूँ ब्रो, तुम लोगों पे वीडियो स्पैम कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, जियो सिनेमा भी तो अपना कंटेंट स्पैम कर रहा है। एंड भाई मुझे कर लेना दो थोड़ा मिल्क। और तुम्हें पसंद नहीं आता क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ आके कुछ ऐसी चीजों पे डिस्कस करता है जिस पे कोई डिस्कशन नहीं करता? Well, गेम ऑफ थ्रोन्स के अब सारे के सारे सीजन 1-8 हिंदी में स्ट्रीम कर रहे हैं जियो सिनेमा पे। ऑलराइट, एंड अभी के लिए भी सिर्फ हिंदी में स्ट्रीम कर रहा है, कन्नड़ मलयालम तमिल तेलुगु और कोई एडिशनल लैंग्वेज अभी ऐड नहीं हुई है। और वीडियो बनाने का पहला कारण वर्ष, आज के बाद मुझे कभी भी गेम ऑफ थ्रोन्स हिंदी डब वीडियो बनाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए शायद ये फाइनल गेम ऑफ थ्रोन्स हिंदी डब वीडियो होगी। मतलब हमारी जितनी भी ऑडियंस बिल्ड हुई है इसी टाइटल के नीचे हुई है, सो आई वांट यू टू रिस्पेक्ट दैट। अब सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में यही आया होगा ना कि अगर तुमने कल ही सीजन 1 हिंदी में रिलीज कर दिया था तो बाकी सारे भी कल क्यों नहीं किए? मतलब एक दिन के गैप लेने की भी क्या ही सेंस बनती है? रिलीज कर रहे थे तो एक ही दिन में सारा कर देते, आज में तुमने ऐसा क्या फिनिशिंग टच दे दिया? तो सिंपली गाइस, जियो सिनेमा की टेस्टिंग चल रही है, ये अपनी सर्विस को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्योंकि अभी भी इनका यूजर इंटरफेस बहुत ज्यादा घटिया और लैगी और स्लो है, जबकि एक नया यूजर इंटरफेस मिल चुका है बेटा वर्जन में, अगर तुम सबको मिला होगा तो बढ़िया बात है। पर बात यह है कि द लास्ट ऑफ अस को 5 लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया, लेकिन मेरा मानना है कि और लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं पर मुझे लगता है। और ट्रू डिटेक्टिव द आइडल जैसी सीरीज को सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में रिलीज किया गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। फॉर श्योर फ्यूचर में आपको तमिल तेलुगु और मलयालम शायद देखने को मिलेगी। यहां पे जियो सिनेमा बस अपने टेस्ट रन कर रहा है, वो किस चीज का है मुझे नहीं पता क्योंकि ट्रैफिक का तो बिल्कुल भी नहीं है। आईपीएल की वजह से हमें पता है कि अलग अलग लैंग्वेजेस पे 3 करोड़ तक का ट्रैफिक तो आराम से झेल लेता है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम यूजर्स के लिए टेस्ट चल रहा है। अब लाइक जिन लोगों को हाउस ऑफ द ड्रैगन का वेट है, मैं बैट खेल रहा हूँ, ठीक है, हार्ड बैट की शायद कल ही रिलीज हो जाए, सक्सेशन या फिर हाउस ऑफ द ड्रैगन, इनमें से कोई रिलीज हो जाना चाहिए। और जो जियो सिनेमा के मंथली प्लान होंगे, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, वो भी शायद दिवाली के आसपास हो जाना चाहिए। और इनकी प्रमोशन तो पक्का दिवाली से स्टार्ट होनी चाहिए। वेल, हमारे इंस्टाग्राम पेज हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया पे बस भागे भागे चले आया हूँ, मैं सभी सीजन की हिंदी क्लिप्स अपने पेज पे पोस्ट कर रहा हूँ। चेर्नोबिल और द आइडल की हिंदी क्लिप्स भी तुमको हमारे पेज पे देखने को मिल जाएगी, तो जस्ट एंजॉय करो, सर्दियां आ चुकी हैं।